सतसंगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सतसंगत जी दास का विनती है वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि सतसंगत जी आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। सतसंगत जी गरुड़ पुराण के अनुसार धर्मकांड के प्रेत कल्प में मृत व्यक्ति की ऐसी तीन वस्तुएं के विषय में वर्णन किया गया है जिनका उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, अन्यथा भयंकर यातनाएं सहन करने पड़ती है और अनेक प्रकार की हानि होती है। सतसंगत जी इसलिए प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को इन वस्तुओं के विषय में अवश्य जान लेनी चाहिए। सतसंगत जी गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को अत्यंत ज्ञानवर्धक जानकारी दी है, इसे सुनने से आपके भी ज्ञान में वृद्धि होगी, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। भगवान विष्णु जिनको हम गुरु मानते हैं उनका वाहन अपने मन में एक शंका लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारक में आते हैं। अपने प्रिय वाहन गरुड़ को देखकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि हे द्वारक तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारे आने का मुझे बड़ी ही प्रसन्नता हुई, निसंदेह तुम्हारे आने का कोई विशेष कारण होगा तो बताओ, किसी प्रयोजन से तुम यहाँ पधारे हो। गरुड़ जी भगवान को प्रणाम करते हुए कहते हैं प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते ही हैं, इस पूरे संसार में कुछ भी आपसे छिपा हुआ नहीं है, मैं आपके लिए एक शंका लेकर के आया हूँ जिसका समाधान आपके सिवा कोई और नहीं बता सकता। श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं हे पक्षीराज तुम्हारी जो भी शंका है निसंकोच पूछिए, मैं उसका उत्तर दूंगा। तुम्हारी हर शंका और समस्या का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। गरुड़ जी गंभीर स्वर में कहते हैं हे प्रभु मेरा प्रश्न यह है कि जब कोई जीव मृत्यु को प्राप्त होता है तब वह अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेकर के जाता है और मृत्यु के बाद उसे प्राणी उसे जुड़ी हुई कौन कौन सी वस्तुएं का उपयोग अन्य लोगों को नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने विचारपूर्ण स्वर में कहा गरुड़ तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संसार में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। मनुष्य इस संसार में खाली हाथ अवश्य आते हैं किंतु जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वह अपने साथ पांच चीज लेकर के जाते हैं और यह भी सत्य है कि जीवित मनुष्य को मरे हुए व्यक्ति की तीन चीज कभी उपयोग नहीं करने चाहिए। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व मैं एक ब्रह्मांड और प्रमाण प्रतीक की कथा सुनाता हूँ जिसे तुम्हें सुनने के बाद सभी प्रश्न का समाधान हो जाएगा। इस कथा को ध्यान से सुनना क्योंकि इसके माध्यम से मानव जीवन में गूढ़ रहस्यों को समझा जा सकता है। इस कथा का श्रवण करके आप मनुष्य की कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं, इसके लिए कथा का तुम प्रचारक करो। गरुड़ जी ने बड़ी ध्यान से श्रद्धा भाव से कहा भगवान मैं इस कथा को ध्यान से सुनूंगा, मैं आपकी कथा को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए तैयार हूँ, कृपया मुझे वह पवित्र कथा सुनाएं। कृष्ण जी अब गरुड़ जी को वह कथा सुनाने के लिए शुरू की। गरुड़ की एक समय की बात है, एक मध्य देश में एक देवशर्म नामक एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गुणवान और शास्त्रों से परागत था। उसने वेदों शास्त्रों का बड़ा गहराई से अध्ययन किया हुआ था किंतु वह अपने ज्ञान का कभी दुरुपयोग नहीं करता। उसने कभी अपने ज्ञान का उपयोग धन कमाने के लिए नहीं किया। अत्यंत गरीब होकर भी वह भिक्षा मांगकर ही अपना गुजारा चलाता था। फिर एक दिन वह ब्राह्मण वन में तपस्या करने के लिए जाने का विचार करता है। वह ईश्वर को ध्यान धरने के लिए उनके उद्देश्य से वन में विचरण करने लगता है, घूमने लगता है। ब्राह्मण उस वन में प्रवेश करते ही उसका नाम विपिन वन था। यह वन अत्यंत भयानक और डरावना था जिसे बारे में सुन सुन करके दूर दूर के लोग चर्चा किया करते थे। इस वन में प्रवेश करने के लिए हिम्मत बहुत ही कम लोग जुगाड़ पाते हैं
क्योंकि वहाँ का वातावरण भय से भरपूर था। विपिन वन में ऊँचे ऊँचे पेड़ थे जिनकी शाखाएँ इतनी घनी थी कि सूर्य की किरण भी नीचे तक नहीं आ पाती। इसमें कुछ पेड़ प्राचीन काल में खड़े थे जैसे महावृक्ष, जिनकी विशाल जड़ें जमीन से बाहर निकलकर हर दिशा में फैली हुई थी। वहाँ पर वट वृक्ष और अनेक प्रकार के वृक्ष जो अपने नीचे किसी को भी दबा सकती है। इस भयानक वन में जिससे लोगों की रोंगटे खड़े हो जाते थे, जो कि इन वृक्षों की शाखाएं मुड़ी तुड़ी और विकृति थी और उन पर अक्सर अजीब से जीव लटके हुए थे। वहां उगने वाले पेड़ पौधे भी डरावने थे। वहां पर काले पंखों वाले उल्लू भी नजर आते थे जिनकी भयानक और डरावनी आवाज़ थी। वह भयानक जंगल से गुजरते गुजरते एक गया तो वृक्ष के पीछे पांच पिशाच खड़े नजर आए। वह सभी पिशाच उस जंगल से गुजरने वाले मनुष्यों का भक्षण करते थे। कोई भी मनुष्य उस माने जाने उसको पकड़ करके खा जाते थे। पिशाच होने के कारण उनके अंदर धर्म का कोई अंश नहीं था। वे अत्यंत पापी और दुष्चारी थे, किसी पर भी दया नहीं करते थे। जब वह ब्राह्मण उस वृक्ष के पास गया तो वो देखा कि पिशाच एक दूसरे से कहने लगते हैं कि अरे वाह, देखो भाई, हमारा आज तो ताज़ा ताज़ा भोजन आ रहा है। सबसे पहले मैं इस ब्राह्मण को खाऊंगा, इसका मांस तो कितना स्वादिष्ट होगा। यह ब्राह्मण केवल स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करता है, इसलिए इसके शरीर में किसी भी प्रकार के रोग नहीं होंगे। वह उन पिशाचों को देखता है लेकिन भयभीत नहीं होता है, क्योंकि वह ब्राह्मण भगवान विष्णु का परम भक्त था और वह हर समय श्री हरि का नाम जपता रहता था, इसलिए उसे किसी भी कोई भी भय नहीं लगता। उस समय पिशाच को देखकर भी ब्राह्मण भयभीत नहीं हुआ और उन पिशाचों की ओर आत बढ़ते गया और उन्हें प्रणाम करने लगा और कहता है कि पिशाच तुम्हारे नमस्कार। उस ब्राह्मण का ऐसा विचित्र व्यवहार देखकर पिशाच हैरान हो जाते हैं। विष्णु भक्त ब्राह्मण के सन्निध्य के उसके अंदर से जो भाव प्रकट हो नष्ट हो जाता है और वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं उस ब्राह्मण को देख करके। उस ब्राह्मण ने कहने लगता है कि हे महात्मा, आप कौन हैं? इन वन में अकेले क्यों भटक रहे हैं? हम पिशाच को देखकर आप जरा सा भी भय नहीं हुए? बड़े बड़े सूरवीर योद्धा हमें देख करके कांपने लग जाते हैं, किंतु आप में इतनी भय न होने के कारण कहां से आई है? ब्राह्मण कहता है कि देखो, कोई बात नहीं है, मैं जानता हूं कि जिस भगवान की मैं भक्त हूं उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो मैं डरूं तुम लोगों से? अगर मृत्यु मेरी पिशाचों के द्वारा हुई है, भगवान यही लिखी है, तो होगा ही। अगर ये भी लिखे होंगे तो मुझे मंजूर है। पुराणों में लिखा गया है कि हर एक जो मांगे उसे दे दो, उनकी तृप्त कराना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। पिशाच भाई, देखो तुम्हारे मन को तृप्त पहुँचाना, अगर तुम्हें खाने से आपकी तृप्त मिट जाती है तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। पिशाच भी कहते हैं कि हे महात्मा, आप तो आंखें खोल दी, आपके तो हम भक्षण नहीं करेंगे, कृपया बताइए आप कौन हैं? ब्राह्मण कहते हैं कि पिशाच, मेरा देव सर्वनाम है और मैं प्रभु की भक्त हूँ, उनके वन में उचित खोज कर रहा हूँ, किंतु आपको देखकर लगता है कि आप बहुत कष्ट में हैं, मुझे बताइए किस कारण से आपको पिशाच बना? आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ तो आप अवश्य कहें, मैं समर्थ के अनुसार आपकी जो भी मदद है वो करूँगा। ब्राह्मण की बात सुनकर के पिशाच सुन हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि श्रेष्ठ, आपको बार बार प्रणाम करते हैं, सभी पिशाच हमारे पाप कर्मों के कारण ही बने हैं, हमने हमारे पितरों का अपमान किया है, इसी कारण से
हमें यह 50 योनि में प्राप्ति हुई है। उन दरिद्रों से पता चला कि जूठे बर्तन खाए तो राक्षस बने, कोई अनेक अनेक प्रकार के गंदे हरकतों से वो बने, तो भगवान विष्णु कहते हैं, देखो गरुड़, ऐसा नहीं करना। पितरों को बिन किया गया भोजन उत्कृष्ट भोजन होता है। गरुड़, अब मैं तुम्हें मृत व्यक्ति की उन वस्तुओं के विषय में बताता हूँ जिनका उपयोग जीवित मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम ध्यान से सुनो। गरुड़, मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर कई भौतिक सुखों को मोह माया में पड़ जाते हैं, मृत्यु के बाद भी उनका उन वस्तुओं के प्रति मोह माया नहीं छूटता। जब तक मनुष्य संसारिक वस्तुओं के मोह माया को त्याग कर संपूर्ण रूपों में ईश्वर को अपनाना लगता है, तब वह अलग अलग योनियों में जन्म लेकर पृथ्वी लोक में भटकने लगता है। कभी कभी यह मोह माया इतना अधिक हो जाता है कि वह मृत्यु के बाद भी इसी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करता है, अर्थात प्रेत योनि धारण करता है। यदि किसी मनुष्य को अकाल मृत्यु हो जाती है तो वह भी प्रेत यानी कि प्रेत योनि में चला जाता है। प्रेत बनकर के वह अपने ही परिवारों को, लोगों को दुख देने लगता है। कई बार मनुष्य अपने मित्र परिजनों की वस्तुओं को उनकी याद में अपने पास रख लेते हैं, उनकी वजह से उपयोग करने लग जाते हैं, तो वो भी मनुष्य के मृत व्यक्ति से कुछ वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं का उपयोग करने से हमें ये बीमारियाँ, ये कष्ट भुगतने पड़ते हैं। सत्संगत जी, आत्मा की शांति के लिए मनुष्य उस व्यक्ति के प्रिय वस्तुओं का ध्यान दान करता है, यह बहुत ही शुभ होता है। सबसे पहले वस्तु की मृत व्यक्ति के कपड़ों को नहीं पहनने चाहिए, इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, उन्हें भूलकर भी पहनना नहीं चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति के आत्मा उस व्यक्ति से जुड़ा रहता है। इनका इस्तेमाल करना मृत व्यक्ति की यादों को दिलाना, वो यादें सताने लगती है। हमें देखते ही हैं कि हमें पवित्र गंगा में उनका विसर्जन करते हैं, तो हमें इन्हीं से ज्ञात होता है कि हमें अशुद्धियों को नहीं रखना है, शुद्धियों को रखना है। बस इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ आपको सीखने को मिली होगी। अगर हाँ, कुछ और भी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और व्हाट्सएप पर शेयर कीजिएगा अपने महात्मा जनों के पास।